हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएस क्लासेस। तो ये जो वीडियो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है बच्चों। इसके बारे में मैं नीट या जेई मेंस में जो आप बेसिकली मैं इसमें नीट के बारे में बताया हूँ, बट जेई मेंस वाले भी सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं। जो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अक्सर मैं देखा हूँ बहुत अच्छे स्टूडेंट जिनके टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं, पूरे साल भर अच्छे परफॉर्म करते हैं, पर वो एग्ज़ाम में बहुत ही ख़राब परफॉर्म करके आते हैं। दूसरे साइड ऐसे स्टूडेंट हैं जो साल भर परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं होता है, फिर भी वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे परफॉर्म करके आते हैं। तो इन एग्ज़ाम देना एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है। साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसे बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करना है, स्पीड। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि अच्छे स्कोर करने के लिए फिजिक्स में क्लियर योर कॉन्सेप्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिजिक्स में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप अच्छे न्यूमेरिकल कर पाओगे। थोड़ा सा मेडिकल वालों को क्या होता है कि थोड़ा सा एक फोबिया टाइप होता है फिजिक्स से, बट ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बेस्ट और बहुत एक्सलेंट नंबर लाए हैं, ठीक है? तो उनके पीछे उनका थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड सही होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए जिस पे फिजिक्स बना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होंगे? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको कोई अच्छी फैकल्टी हो जो आपको टीच कर रही हो, ठीक है? गुड फैकल्टी, जो गुड फैकल्टी जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पास अच्छी फैकल्टी है जो आपको गाइड कर रही है, ठीक है, तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आपको अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट कर देगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दो तरीके हैं। पहले तो आप अच्छे से थियरी पढ़िए, ठीक है? थियरी पढ़िए, थियरी को पढ़ करके फार्मूले को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में, ठीक है? और उसके एप्लीकेशंस खूब सारे क्वेश्चन कीजिए जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट कीजिए। नीट में कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन नीट में, ठीक है, हर साल, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन बिना आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के इनको कर सकते हो। मतलब ये डायरेक्ट थियरी से होते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट थियरी से होते हैं तो इजी होते हैं, ठीक है? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि थियरी वाला इजी होता है, बट ये है कि वो थ्योरेटिकल होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, थियरी अच्छे से क्लियर है, तो आप उनको अच्छे से कर पाओगे। चलो, दूसरा जो इम्पोर्टेंट वो है आप न्यूमेरिकल। ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो जिससे आपको अच्छे स्कोर करने में हेल्प होगा। कम से कम 80% न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स में, ठीक है? 20% में बताया आपको पहले ही थियरी होगा, ठीक है, पर यह है कि वो ईजी होगा इस बात की गारंटी नहीं है, और 80% न्यूमेरिकल होते हैं। तो आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सीट कीजिए, डीपीपी की सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? और विदाउट प्रैक्टिस आप समझ लीजिए कि कुछ नहीं कर सकते। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नेवर बी एबल टू अप्लाई द फार्मूला इन एग्जामिनेशन हॉल। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपने टाइम का ख्याल रखिए, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम के जब आप एग्ज़ाम देते हो, पेपर देते हो, तो आपका टाइम मैनेज करना एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है। टाइम कैसे मैनेज करोगे आप? टाइम मैनेज करने के लिए देखिए, आपके पास 180 मिनट्स हैं, ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन कितने हैं? 180 क्वेश्चन हैं। तो एक्चुअली हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट डिसाइडेड है, पर फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए इस बात की गारंटी नहीं है। वो कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट भी ले सकता है, ठीक है? बट जैसे आपको लग रहा है कि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, तो आप, मेरा मतलब इसमें क्या कि मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप सबसे पहले फिजिक्स को मैक्सिमम टाइम दीजिए, मैक्सिमम टाइम दीजिए फिजिक्स को। अब ये मैक्सिमम टाइम कहाँ से आएगा? तो आप टाइम को बचाइए। अगर ये एक गेम है, ठीक
है, अगर आप टाइम को बचाओगे तो आप उतना ही ऊपर जाओगे, अगर टाइम स्पॉयल करोगे, किल करोगे, तो आप उतने ही डाउनवर्ड जाओगे। ठीक है, तो टाइम कैसे बचाओगे भैया? टाइम बचा सकते हो आप बायोलॉजी से। बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बायोलॉजी कितनी तगड़ी है, कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बायोलॉजी बहुत ही अच्छी है, ठीक है, तो 40 से 45 मिनट में ही, ठीक है, बायोलॉजी को निपटा देंगे। ठीक है, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन 60 मिनट अलॉट हुआ था, ठीक है, 60 मिनट अलॉट हुआ था, वो किसी ने, ठीक है, 45 मिनट्स में निपटा दिए, तो 15 मिनट आपके यहाँ बच गए। किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, तो बहुत सारे केमिस्ट्री में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिनसे आप 15 मिनट वहाँ बचा सकते हो। ठीक है, तो ये जो 15 मिनट है, 30 मिनट्स हो गए, और ये सारा टाइम आप फिजिक्स पे लगा दो। ठीक है, जिससे फिजिक्स में थोड़ी कैलकुलेटिव अप्रोच होती है, मैथमेटिकल होता है, तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आपको कि आप बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने हिसाब से जितना, अब एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको बायोलॉजी आती ही नहीं है, तो क्या टाइम बचाएगा? उसके सारे टाइम बायोलॉजी में ही कंज्यूम हो जाएंगे, तो फिजिक्स क्या करेगा? लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे पढ़े हैं, जिन्होंने साल भर पढ़ाई किया है, मेहनत किया है, ठीक है, वो बायोलॉजी को मिनिमम टाइम में निपटा दें। अब वो डिपेंड करता है कि उनका मिनिमम कितना है। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए वैल्यू अलग अलग होगी, तो जो भी टाइम वहाँ से बचा वो फिजिक्स में लाइए। फिर उसी तरह से कोशिश कीजिए कि केमिस्ट्री में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मगप बेस होते हैं, कंसेप्चुअल बेस होते हैं, जिनको 1 मिनट से कम टाइम में किया जा सकता है। तो केमिस्ट्री को निपटा के जो भी टाइम आप बचा के लेके आओगे वो फिजिक्स में दो, क्योंकि फिजिक्स में टाइम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वाला जो लाइन मैं रेड लाइन में जो लिखा हूँ, इस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको फिजिक्स में 45 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 45 क्वेश्चन फिजिक्स में रहेगा। 45 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होंगे 20 से, इमेजिन कर लिए कि 25 क्वेश्चन एवरेज बेस होंगे। ठीक है, एवरेज बेस डायरेक्ट फार्मूले बेस हो सकते हैं, ठीक है, या दो लाइन में इनका सलूशन होगा, 2 से 3 है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी भी सॉल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, वो बहुत ही लेंदी और टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इनको करने से आपको नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो कि मैं 45 क्वेश्चन में से मैं ही 45 क्वेश्चन करके आ पाऊंगा। 45 में से 45 क्वेश्चन बहुत ही कम स्टूडेंट कर सकते हैं, रेयर टू रेयर स्टूडेंट कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, जो कि ऑल इंडिया टॉपर हो, ठीक है, या अंडर 100 हो, ठीक है, जिसको बहुत अच्छे से फिजिक्स आती है, ठीक है, पर मैं उन एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको डर लगता है फिजिक्स में, जिनको जो एवरेज लेवल का है, जिनको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बच्चों के साथ भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इन क्वेश्चन को पहले नहीं टच करो। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस डिक्रीज करने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, इमेजिन कीजिए जैसे एक थाली है, इस थाली में 45 लड्डू रखे हुए हैं। ठीक है, ये कुछ लड्डू बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत हार्ड हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट हैं, तो इसमें से 5 से 6 लड्डू ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टफ हैं। तो अगर उन लड्डू को आप खाओगे तो आपका पेपर खराब होगा, आप उन लड्डू को आसानी से नहीं खा सकते। ठीक है, आप कैसे खाओगे, कैसे पेपर करोगे? सबसे पहले आप इजी वाले खाओगे, वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता अपने अपने लेवल से। तो 10 से 12 क्वेश्चन जो इजी वाले होते हैं वो आपको करने हैं। वो कहाँ रखे हुए हैं? वो यार ऐसा थोड़ी है कि 1 से लेके 10 से 12 तक वाले इजी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 45 क्वेश्चन में मिक्स है, अरेंज है। ठीक है,
तो सबसे पहले उनको सर्च करना है, फिर एवरेज वाले क्वेश्चन पे आना है, और टफेस्ट क्वेश्चन को सबसे लास्ट में टच करना है। अगर आप गलती से किसी टफेस्ट क्वेश्चन को किए, फटाफट आपने सॉल्व कर दिया एक क्वेश्चन और आपने मैच किया, तो चारों में से एक भी नहीं मैच किया, तो क्या हो गया, आपका प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, कॉन्फिडेंस घट गया, टाइम स्पॉयल हो गया, तो दोबारा क्या करोगे आप, दोबारा चेक करोगे यार कहाँ गलती हो गया। चेक करने में अगर आपने सॉल्व करने 1 मिनट लिया, तो चेक करने में 2 मिनट जाएगा, 3 मिनट हुआ। अगर आप दोबारा चेक किए फिर एरर नहीं पता चला, 2 मिनट और गया, तो 5-6 मिनट खा गया, ठीक है। 5-6 मिनट अगर एक क्वेश्चन आपका खा गया, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज हो जाएगा, आपकी नर्वसनेस बढ़ जाएगी, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, घबराहट बढ़ जाएगा, और इस घबराहट में आप इजी क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन गलती सलती करके चले आओगे, और फिर क्वेश्चन पेपर एग्जाम के जब बाहर लेके आओगे, तो सर पकड़ के बोलोगे यार ये मैंने छोड़ दिया। भैया क्यों छोड़ दिए, पेपर छोड़ने गए थे कि करने गए थे, ठीक है, पेपर आप छोड़ने नहीं गए थे ना, तो क्यों छोड़ के चले आए, क्योंकि आपने अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं किया। अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करना, सबसे इजी वाले क्वेश्चन टच करने हैं, उनको करने हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो 5-6 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाले होते हैं, वो एक ही लाइन में रहेंगे। जैसे मान लो आपने तीसरा किया, नहीं हुआ, ठीक है, तो समझ जाओ डिफिकल्ट वाले हैं। चौथा किया, ठीक है, वो भी नहीं हुआ, तो समझ जाओ डिफिकल्ट वाला, उनको भी छोड़ दो। पांचवा किया, वो भी नहीं हुआ, तो उनको भी छोड़ दो, डिफिकल्ट वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि पेपर ही छोड़ते चले जाओ, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। पेपर आपको डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं करने हैं, उनको छोड़ने हैं, उनको स्किप करने हैं। स्किप करने से और छोड़ने से आपके टाइम बचेगा, कॉन्फिडेंस बचेगा, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन करने में हेल्प होगा। तो अवॉइड डिफिकल्ट क्वेश्चन। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कवर ऑल चैप्टर्स, ठीक है। कभी कभी बहुत सारे फैकल्टी, बहुत सारे लोग बताते हैं यार इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे 5 से 6-7 क्वेश्चन आ जाएगा, इसको कर लो, ठीक है, ऐसा चैप्टर जिसे, अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, 1 साल आ गया तो आ गया, ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रोटेशन या किसी ऐसे, हो सकता है कि जो चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो उसे बहुत इजी क्वेश्चन आया हो। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, किसी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, हर चैप्टर को आपको ढंग से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चैप्टर नहीं छोड़ने हैं यार, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है, चैप्टर क्यों छोड़ोगे। तो हर चैप्टर को ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और इजी क्वेश्चन ट्राई करो, करके आओ, ठीक है, जिससे तुम्हारी साल भर की पढ़ाई, साल भर का मेहनत एक अच्छा रिजल्ट लाए। और मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि आप एक अच्छे फैकल्टी का नोट्स फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बहुत सारे बच्चे जो मेरा नोट्स फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको बहुत बेनिफिट होता है। मैं इससे पहले आकाश में पढ़ाया हूँ, विद्या मंदिर का एक्स फैकल्टी हूँ, सीनियर फैकल्टी ऑफ आकाश, तो मेरे बहुत सारे बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए हैं, और MBBS, FMC, एम्स। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी फैकल्टी जो तुम्हें गाइड कर रही हो, उसके नोट्स फॉलो करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, तो वो कैसे नोट्स फॉलो करेंगे, वो अपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, अपने अनुभव से पढ़े होंगे, यूट्यूब से पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो अपने खुद के बनाए हुए नोट्स को ढंग से पढ़ें। यूट्यूब में बहुत सारे फैकल्टी हैं जो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो उनको पढ़ें आप, ठीक है। और क्लासरूम लेक्चर, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन की है, उनका क्लासरूम लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अच्छी फैकल्टी के क्लासरूम लेक्चर को कोई नहीं रिप्लेस कर सकता, ठीक है। वो बहुत सिंपल मैनर में पढ़ाते हैं लोग, बहुत सिंपल और इजी तरीके से एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और कभी कभी कैसा होता है कि डायरेक्ट नोटबुक से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है नीट में और मेंस में भी। सिक्स इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप MCQ ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। MCQ, 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 मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस आप MCQ की कीजिए, जितना ज़्यादा कर सकते हो आप करो, ठीक है। चार ऑप्शन होते हैं, उसमें से अच्छे से इसको आप लॉजिकल डेवलप करो, ठीक है, जिससे आपकी गेसिंग पावर स्ट्रांग हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप
प्रैक्टिस करने के अलावा आपके पास कोई रास्ते नहीं है, देर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं है। आप हार्ड वर्क, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब अंदर में कुछ होगा तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। अंदर में क्या, प्रैक्टिस हो, साल भर प्रैक्टिस हो, सिर्फ कॉन्फिडेंस। एक बच्चा है जिसके पास बहुत कॉन्फिडेंस है, इस एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है, सिर्फ कॉन्फिडेंस है और अंदर में खाली हो, ठीक है, तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी हो और नॉलेज भी हो, जो साल भर प्रैक्टिस किया है उसको कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों मेंटेन करके चलना है, ठीक है। एग्ज़ाम में नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलना है। अभी टाइम है तो एक काम करो, चीज़ें बहुत तेज़ी से बोलती हैं हम लोगों को, तो एक अच्छा सा शॉर्ट लिस्ट बना लो फार्मूले की, ठीक है, फार्मूलों का एक अच्छा लिस्ट बना लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज, जिससे जैसे मान लो लॉ एनएलएम है, लॉज ऑफ मोशन है, तो लॉज ऑफ मोशन की पूरी समरी एक पेज मिनिमम, मैक्सिमम 2 पेज, 2 पेज में आप एक काम करो, पूरा का पूरा लॉज ऑफ मोशन नोट्स बना लो। इससे क्या होगा, कम टाइम में एग्जाम के समय या एग्जाम में कम टाइम में, बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फार्मूलों की एक अच्छी लिस्ट बनाओ, ठीक है, और उनको फ्रेश माइंड से पढ़ो, ठीक है, शाम में सोने से पहले, ठीक है, उनको पढ़ो। नींद जब आ रही हो शाम में, रात में जब भी आप सोने जाते हो, सोने से पहले एक बार उनको देख के सो, ठीक है, इससे लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में वो चीज़ रहेगी। और किसी भी एग्ज़ाम को मैं मानता हूँ, मेरा मानना है किसी भी एग्ज़ाम को, IAS, PCS, नीट, IIT, PMT, किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 95% क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, पर सिमिलर क्वेश्चन लगभग 95%, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। मैक्सिमम प्रॉब्लम करो, प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम करो, उनको फॉलो करो, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट एरिया होते हैं जैसे काइनामेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, थर्मोडाइनेमिक्स, हीट है, ऑप्टिक्स है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नाइन्थ जो रूल है वो मॉक टेस्ट, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप कॉन्फिडेंस होते हो आप, ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बार बार आप जो गलतियां करते हो वो मिनिमाइज होती है, तो जब बहुत सारा मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अपनी एक्चुअल वैल्यू पता करेगी, पता चलेगी कि मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा स्टेटस क्या है, मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 450 से 560 के बीच रहोगे या कहाँ रहोगे, ठीक है, वो एम रेगुलर टेस्ट का, ठीक है, जो भी रेगुलर टेस्ट दिए उसका एनालिसिस करो, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे नंबर कितने कितने बीच रहेंगे। तुम 600 के ऊपर जाओगे, ठीक है, या 700 के 720 पाओगे, ठीक है, या 200 पाओगे, ठीक है, वो कहाँ से पता चलेगा, वो रेगुलर टेस्ट बार बार देते रहो, इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एरर मिनिमाइज होगा और आप एग्जाम को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बी फियरलेस। देखो यार, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप जितना ज़्यादा घबराओगे उतना ज़्यादा ब्रेन से डेटा बोलता चला जाएगा, नर्वसनेस होगा तो ब्रेन से डेटा इस्केप करता चला जाएगा, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में डरो नहीं, फिजिक्स से डरो नहीं, फिजिक्स को इंजॉय करो, रियल लाइफ में ला के समझो, याद नहीं करो, मगअप नहीं करो, चीज़ों को अप्लाई करना सीखो, फियरलेस होको, कॉन्फिडेंट रहो और माइंड को हमेशा विश्वास दिलाते रहो कि मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं एक अच्छा स्कोर करके आऊँगा। जो नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया हो, वो अपने आप को जानता है, ठीक है, बट ये है कि तुम अच्छे से पढ़ाई किए हो, साल भर पढ़ाई किए हो, रेगुलर रहे हो, कंसिस्टेंट रहे हो, डिसिप्लिन रहे हो, ठीक है,
और ढंग से तुम्हारे स्कोर आए हैं, तो तुम अपने ब्रेन को हमेशा यही मैसेज दो कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और मुझे सब कुछ याद है, कॉन्फिडेंट हूँ, मैं फियरलेस हूँ और मैं बहुत बेहतर करके आऊँगा नीट में। ठीक है, नीट कोई बहुत बड़ी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, बट ये है कि या कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं है आपकी लाइफ का, ऐसे हजारों एग्ज़ाम लाइफ में आते रहेंगे, नीट के बाद भी आते रहेंगे। ठीक है, तो देर आर सो मेनी चैलेंजेस इन लाइफ, ये कोई पहला एग्ज़ाम थोड़ी है लाइफ का, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम आते रहेंगे। तो आप हर एग्ज़ाम में डरोगे, डरो नहीं, कॉन्फिडेंट रहो, फियरलेस रहो, ठीक है, और हेल्दी रहो और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहो और हार्ड वर्क करो, थोड़ा पढ़ाई करो। तो मेरे तरफ से इतना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अधिक से अधिक वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओ नीट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।